दोस्तों, अगर आप भी अपना YT स्टूडियो यानी YouTube स्टूडियो पर आप अपना एनालिटिक्स चेक करते हैं तो शायद आपको भी स्क्रीन पे दिखाई हुई गई जैसा आपको एक नोटिस यानी मैसेज देखने को मिलेगा, वो भी YT स्टूडियो की ओर से। जी हाँ, तो ये स्टूडियो जो YT स्टूडियो ये मैसेज दे रहा है यानी ये नोटिस दे रहा है, ये क्यों दे रहा है और इससे आपको चैनल पर क्या खतरा हो सकता है यानी क्या हार्म हो सकता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जी हाँ, और हम ये भी जानेंगे कि इसका मेन कारण क्या है, यानी ये जो नोटिस आ रहा है, ये मैसेज आ रहा है, इसका मेन कारण क्या है, क्या हमने ऐसा क्या कर दिया जो ये नोटिस हम लोग को दे रहा है। जी हाँ, ये मैक्सिमम यूट्यूबर्स चाहे वो मोनेटाइज हो या जो मोनेटाइज ना हुई हो, उन लोगों को भी ये नोटिस देखने को मिल रहा है। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि ये नोटिस दिखने का मेन कारण क्या है और ये नोटिस किन किन लोगों को देखने को मिल रहा है और इससे सोल्यूशन क्या होता है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों दिख रहा है, इसका मेन कारण क्या है और इससे का सोल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं, तो आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम वीडियो में इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारा YouTube चैनल प्रिंस सेटल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो YT स्टूडियो पर जो एनालिटिक्स पर अभी हाल ही में एक जो नोटिस आता है यानी मैसेज आता है, उसका मेन कारण क्या है। कई बहुत सारे हाल ही में बहुत सारे यूट्यूबर्स को, बहुत सारे क्रिएटर्स को ऐसा नोटिस देखने को मिला है, जो बार वाला रिप्रेजेंट है वो जो आपका वो बोल रहा है कि वो एक्सपीरियंसिंग कर रहा है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों दिख रहा है, ऐसा नोटिस क्यों आ रहा है और ऐसा मैसेज किन किन के चैनल पर आता है, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जी हाँ, ये मैसेज हाल ही में यदि आप अपने एनालिटिक्स पर जाते हैं, आप अपने जो वीडियो एनालिटिक्स है, आप अपने YT स्टूडियो के चैनल पर एनालिटिक्स पर जाते हैं तो शायद आपको भी ऐसा जो बार अभी ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर ऐसा दिखने को मिलेगा। इस पर क्या लिखा हुआ है, बार्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ चैनल व्यूज इन ईच आवर, द व्यू काउंट इज एन एस्टिमेट व्हेन फर्स्ट रिपोर्टेड एंड मे बी एडजस्टेड ओवर टाइम एट द डाटा बिकम्स मोर रिफाइंड। यानी ये क्या बोल रहा है, जो आपके चैनल पर वॉच टाइम और जो आपका सब्सक्राइबर आ रहा है, आपका जो वॉच टाइम आ रहा है और जो आपका व्यूज आ रहा है, तो उसको ये एनालिटिक्स करना चाहता है, यानी वो आपका ऑर्गेनिक है यानी आपका ओरिजिनल है। तो इसीलिए आपको ये पता होगा कि आपका जो सब्सक्राइबर है, वॉच टाइम है, व्यूज है, ये आपके चैनल पर अपडेट होना आपको 12 यानी 12 आवर लगता है। जी हाँ, 12 आवर से आपको 24 घंटा लग सकता है। जी हाँ, ये आप YouTube ये अल्गोरिदम है कि ये YouTube का कि ये स्पैम से बचने के लिए, जैसे कई लोग अब क्या होता है, यदि आपने अपना वीडियो खुद देखा, अपने डिवाइस से खुद देखा, यानी आपका एक लैपटॉप है यानी PC है और आपने अपना वीडियो खुद देखा, बहुत सारे आपने ब्राउज़र ओपन कर लिया और उससे यदि आप अपना वीडियो देखते हैं तो आपका तो वो वॉच टाइम काउंट हो जाएगा, लेकिन वो बाद में क्या होगा, स्पैम की वजह से आपका वो वॉच टाइम डिक्रीज हो जाएगा। और इसीलिए YouTube अब क्या कर रहा है, आप लोगों को यानी सबके ऐसे मैसेज दे रहा है जिसने इनऑर्गेनिक यानी कोई आपने इलीगली मेथड से आपने सब्सक्राइबर गेन करा है, वॉच टाइम गेन किया है, तो ऐसे कर अब YouTube क्या कर रहा है, उन लोगों को हटा रहा है और यानी नोटिस दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। जी हाँ, आप लोगों तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, यदि आपका भी ऐसी मैसेज आया है तो आपने भी अपने डिवाइस से अपना व्यूज देखा होगा, अपना वॉच टाइम बढ़ाया होगा, जिससे क्या होगा यार, YouTube ने अब ये स्पैम से बचने के लिए अब ऐसा नोटिस दे रहा है और वो अब चेक कर रहा है। यानी आप लोगों को तो पता ही होगा YouTube एक रोबोट है, यानी वो कुछ भी पता लगा सकता है। जी हाँ, यदि आप नहीं जानते, आप YouTube को अरे गहरे समझते हैं तो आपको ये जो समझ रहे हैं तो इससे भी बहुत ऊपर YouTube है। जी हाँ, तो इसी के लिए अब वो क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहा है यानी
किस किस का जो वॉच टाइम है ऑर्गेनिक है और जो सब्सक्राइबर है जो आपका ये सब है जो, तो इससे आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। यदि आपने भी पहले ऐसे कर कर आपने गेन किया है तो आप ऐसा करना छोड़ दीजिए, नहीं तो बाद में क्या होगा, इससे चैनल पे जो आपको बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, यानी टेमक आपका चैनल जो है वो डिसेबल भी हो सकता है। जी हाँ, अब ये यूट्यूब ने अब ये डिसीजन ले रहा है कि जो जो वो स्पैमिंग कर कर यानी जो स्पैमिंग कर कर जो सब पर सब कर कर और जो वाइट टाइम निकली यानी सेम डिवाइस से सेम आईपी एड्रेस से जो वाइफ टाइम गेन कर रहे हैं, तो उसकी मेन वजह क्या है, क्या ये सेम बंदा देख रहा है या क्या दूसरे बंदा देख रहा है, तो इसको यूट्यूब अब एनालाइज कर रहा है। तो उसी के बाद अब आपको जो वॉच टाइम है वो रिफाइंड होकर यानी आपका वॉच टाइम एनालाइज होकर तब आपका वॉच टाइम पर काउंट होगा। जी हाँ, इसी के लिए ये मैसेज जो है YouTube सबका नोटिस दे रहा है और एनालिटिक्स पर ये आपको भी शायद देखने को मिलेगा। यदि आपने अभी तक अपना एनालिटिक्स नहीं चेक किया है तो आप जाकर एनालिटिक्स चेक करते हैं सकते हैं, तो आपको भी ऐसा शायद देखने को मिल जाए। जी हाँ, यदि आपको भी देखने को मिले तो आप इससे डरने की बात कोई नहीं है। यदि आपने अभी तक इनऑर्गेनिकली कुछ भी किया हो, सब पर सब किया हो, तो आप वो सब बंद कर दीजिए। आप अपना कंटेंट अच्छा बनाइए, आप अपना वीडियो अच्छा बनाइए, आप थंबनेल अच्छा बनाइए और आप एसईओ कर आप अपना वीडियो डालिए, जिससे आपका यूट्यूब पर क्या हो सकता है, आपका वीडियो रैंकिंग पर आ सकता है और वायरल हो सकता है। जी हाँ, यदि आप यूट्यूब पर लंबे समय तक बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। जी हाँ, कुछ नो पेन नो गेन, ये तो आपने सुना ही होगा, इसीलिए आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। जी हाँ, यदि आप भी ऐसे कर यदि आपको ऐसे मैसेज देखने को मिलेगा तो आप मत डरिए। मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम पर मैसेज पाए थे कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे चैनल पर, हमारा चैनल जैसे अब किसी ने क्या हो गया, मोनेटाइजेशन पे अप्लाई करने वाले थे, मोनेटाइजेशन पर अप्लाई कर रहे थे, तो उन लोगों को ऐसे मैसेज देखने को मिला। वो लोग सोच रहे थे उन लोगों को मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया, पर नहीं हुआ है। मैं बता दूँ, ये वॉच टाइम आपका कम हो गया। यदि आपका वॉच टाइम बाद में आपका काउंट होकर यानी एड होकर यदि आपका 4000 कंप्लीट हो जाता है तो आपको चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए वो लोग रिव्यू कर देंगे, यानी आपको मोनेटाइजेशन के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और यदि हाँ, आप ऐसे ही यूट्यूब से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।